और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम एक सांप का रेस्क्यू करके लेके आए थे। तो दोस्तों इस सांप का भी हम वीडियो नहीं बना पाए आज, क्योंकि बहुत ही जल्दी में इस सांप का रेस्क्यू किया था, क्योंकि इस सांप ने उनके एक गाय के बछड़े को बाइट कर लिया था, तो उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। तो वो लोगों इस सांप का मैंने जाके तुरंत रेस्क्यू किया और इसको अभी जस्ट ही हम जंगल में रिलीज करने के लिए आ गए। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बिग साइज का कोबरा सांप, ये देखिए कितने गुस्से में अभी भी है, गुस्से में अपना फन बनाकर बैठा हुआ है। तो दोस्तों इसको हम फटाफट के अंदाज में यहीं पे रिलीज करते हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊँ इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन विनम पाया जाता है कि जो कि बहुत खतरनाक विनम होता है, कभी भी ऐसा सांप काटे तो तुरंत हॉस्पिटल जाएँ, ना कि किसी झाड़ फूँक के चक्कर में रहें। तो अब हम फटाफट के अंदाज में इसको यहीं पर रिलीज करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बिग साइज़ का है कोबरा सांप, आइए आप वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं दोस्तों काफी गुस्से में, और दोस्तों जब भी हम इसको तुरंत छेड़ते हैं तो ये तुरंत बाइट करने की कोशिश करता है। और मैं आपको बता दूं कभी भी ऐसा सांप देखे तो उससे बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, ना उसे मारने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं और कभी भी हम इनको छेड़ करते हैं तो ये तुरंत काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको तुरंत ही खतरा महसूस होता है तो अपना फन बना लेते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो देखकर आप बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट का काम होता है। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सर्प मित्र डीके सैनी को सब्सक्राइब करें। अभी दोस्तों दीपावली का त्यौहार चल रहा है, तो इस टाइम क्या है कि लोग बाग घरों की सफाई कर रहे हैं, तो उन्हीं बीच में ये सांप निकल ही आते हैं, तो तुरंत मुझे बुलाया और मैंने इसका तुरंत कर लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर किसी भी जवान की जान बचाते हुए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।